हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टोनो मास्टर माइंड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आदरणीय साथियों, कई सरपंच निर्विरोध चुने गए। अनेक चुनाव के बाद जीतकर सरपंच बने। ग्राम पंचायतों के सरपंच ही पंचायत समितियों के सदस्य बने एवं उनमें से प्रधान व उप प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते रहे। सब पंचायत समितियों के प्रधान सांसद व विधानसभा सदस्य जिला परिषद के सदस्य बनते रहे। उन्हीं में से जिला परिषदों के प्रमुख व उप प्रमुख चुने जाते रहे हैं। न केवल राजस्थान राज्य में ही अपितु देश के अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के आरंभ के वर्षों में इन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिए, लेकिन कुछ वर्षों बाद किन्हीं कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाएं अपने सौंपे गए उत्तरदायित्व को सही ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ दिखाई देने लगी। अर्थात ये संस्थाएं अपेक्षित परिणाम देने में असफल रही। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी रही। साथ ही अधिकांश राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी अधिक रुचि नहीं ली। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक गतिशील बनाने हेतु अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की हो। समिति के अनुसार पंचायतें 10-15 गांव की मंडल पंचायतों हो तो अधिक समझ होगी। ये मंडल पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। साथ ही समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी से करवाने की सिफारिश भी की। ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन समस्याओं हेतु गठित जीबी के राव कमेटी ने जिला स्तर पर योजनाएं बनाने व नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। देश की पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ व पुनर्जीवित करने हेतु गठित डॉक्टर लक्ष्मी कमल सिंधवी कमेटी ने ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय साधन देकर अधिक सक्षम बनाने पर बल दिया तथा साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिए जाने पर भी विशेष बल दिया। देश में पंचायती राज संस्थाओं की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज ढांचों को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी और उन्होंने पंचायतों को अधिक अधिकार सौंपने तथा महिलाओं और कमजोर वर्गों की इन संस्थाओं में अधिक से अधिक भागीदारी देने की परिकल्पना की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रयासों से अब यह संभव हो पाया है कि इस संबंध में शुरू किए गए प्रयासों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार बनाने की दृष्टि से संविधान में 73वीं संशोधन की मुख्य महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहूँगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रथम बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय
पद्धति लागू की गई, लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां बीच के स्तर की इकाई गठित करने की मर्जी राज्य सरकारों पर छोड़ी गई है। ग्राम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया, हर 5 वर्षों में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे, चुनावों की व्यवस्था एक स्वतंत्र चुनाव आयोग करवाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को डिक्टेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें।